like those threats. Really, y'all don't know this, y'all in danger. I'm a threat. I'm a threat. Gamble with your life, cause you know that it's a threat. It's a threat. You know I ain't letting up, my foot is on your neck. Yeah. Take my word for it, it's a promise and a threat. Oh, yeah. Really, y'all don't know this, y'all in danger. I'm a threat. I'm a threat. Gamble with your life, cause you know that it's a threat. It's a threat. You know I ain't letting up, my foot is on your neck. Yeah. Take my word for it, it's a promise and a threat. Yo. I'm a threat. Oh, yeah. Really, y'all don't know this. Y'all in danger. I'm a threat. I'm a threat. Gamble with your life, cause you know that it's a threat. It's a threat. You know I ain't letting up. My foot is on your neck. Take my word for it. It's a promise and a threat. Ooh. Really, y'all don't know this. Y'all in danger. I'm a threat. It's a threat. Gamble with your life, cause you know that it's a threat. Hello, beautiful people. गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया व्लॉग। सो आपने पिछले वाले जो व्लॉग्स देखे वो बेसिकली एडवेंचर के ऊपर देखे, बहुत सारे घूमने फिरने पे देखे, इन्फॉर्मेशन पे देखे, बट इसके बीच में मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे कॉल करा कि आई गॉट अ सरप्राइज फॉर यू। सो आज जो सरप्राइज है वो थोड़ा का थोड़ा स्पेशल है। वो स्पेशल क्यों है? क्योंकि अभी तक हमने ऑफ रोडिंग वाली गाड़ियाँ चलाई, इनका एक्सप्लोर करा, और अब हमारे पास में है रॉकेट कार। सो दोस्तों, बेसिकली ये रॉकेट कार है, ये एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि उनको ऐसी गाड़ी चाहिए। सो ये जो व्हीकल है बेसिकली रोड पे चलाने के हिसाब से नहीं बनाया, ये बनाया है कि मूवीज़ में, एड्स में, और यू नो आजकल के जो हिप हॉप सॉन्ग्स है उसके अंदर इसको शूट किया जाए। और आप देखो कि ये जो गाड़ी है ये कैसी दिख रही है। सो दिस कार इज मेड ऑन द चैसिस ऑफ एसेंट, हुंडई की आती है कार। सो उसके ऊपर पूरा का पूरा बना हुआ है। तो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक्स करें, और हमको और बताएं कि और हम ऐसे किस किस चीज़ के ऊपर वीडियो बना सकते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस गाड़ी में सबसे स्पेशल क्या लगा आपको। ये नहीं है वो कार, वो है ये वाली। ठीक है गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, जैसे कि मैं आप लोगों को इस गाड़ी का फ्रंट दिखा रहा हूँ, इसके अंदर गाड़ी की जो ओरिजिनल शेप है वो वहाँ तक है, मगर इसको एक्सटेंड करा हुआ है यहाँ तक, और इसको बिल्कुल एक फ्यूचरिस्टिक कार की शेप में दी है कि जो अपन ने यू नो कुछ हॉलीवुड मूवीज़ में देख रहे होते हैं ऐसी की ऐसी कार। सेम टाइम पर ये बहुत ज़्यादा रूट टू द ग्राउंड है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँगा इसमें स्पेशल, वो है ये दो बटन। तो बेसिकली आपको करना क्या होता है, आपको सिर्फ एक प्रेस करना है और ये खुल जाएगा, और फिर से आप बंद करो, करने के बाद आप इसको लॉक भी कर सकते हो। ये लॉक थी, माय गॉड। सो इसके अलावा इस गाड़ी का कलर मुझे बहुत क्रेजी लगा। पीछे की तरफ इसके अंदर जो ओल्ड स्टाइल पुरानी विंटेज कार्स आती थी वैसे दो विंग्स हैं, और विंग्स के अंदर पुरानी क्लासिक जो लाइट्स आती थी वैसी की वैसी लाइट्स हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती पुराने ट्रक्स को देखकर। और ये जो गाड़ी बनाई है ये ओल्ड आयरन कस्टम्स है, उन्होंने बनाई है। भानु बना इसको संभालते हैं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा वीडियो के लास्ट के अंदर। सो बेसिकली भानु बना जो है वो ऑफ रोडिंग व्हीकल ज़्यादा तैयार करते हैं, पर उनके एक पुराने दोस्त हैं जिन्होंने इस गाड़ी के लिए कहा, और मैं दिखाता हूँ आपको इस गाड़ी के बारे में। आगे वाले जो इसके इंडिकेटर्स हैं दे आर ऑल्सो सुपर गुड। ये भी एक पूरी की पूरी क्लासिक थीम के ऊपर बने हुए। और आप अगेन लुक एट दिस फ्रंट, दिस इज़ रियली मैसिव। और आप इस गाड़ी का देखो कि जो इसका साइड प्रोफाइल है ये मेरी गेटअवे से भी लंबी है। और अंदर की तरफ इंटीरियर वही बेसिक कार वाला है जैसा होना चाहिए। ऊपर की तरफ ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है। जो सीट्स हैं ये भी वापस रीडिज़ाइन करी हुई है, और साथ में जो स्ट्रेंथ है गाड़ी की वो भी बनाने के लिए इस बीच के अंदर ना सपोर्ट लगाया हुआ है। क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड ना, जब पूरा का पूरा ऊपर वाला पार्ट होता है ना तो गाड़ी बीच में से हिलती नहीं है,
तो इस गाड़ी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बीच वाला जो पार्ट है उसके अंदर है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जल्दी ही आप इस गाड़ी को किसी ना किसी म्यूज़िक वीडियो के अंदर देख रहे हो। अगेन आई लाइक दिस पार्ट, मतलब ये वाली जो पार्ट बनाया हुआ है ट्रंक वाला, ये बहुत ज़्यादा एक कर्वी शेप, यू नो, इट लुक्स रियली गुड। सो ये इस गाड़ी के बारे में, और आई एम रियली वॉन्ट टू ड्राइव इट नाउ। सो लेट्स सी ये कैसी ड्राइव हो रही होती है। सो गाइज, गाड़ी में बैठने का एक अलग लुफ्त है। हल्की सी वेट होने की वजह से ना गाड़ी बिल्कुल जमीन के चिपक के चलने वाली फीलिंग दे रही है। और ये रहे हमारे पायलट। बानू बना एक बात होता, इस गाड़ी को बनाने में टाइम कितना लगा था? 3 महीने। 3 महीने, और खूब सारी चीज़ों में टेस्टिंग भी हुई होगी। सो आई एम रियली इन्जॉइंग दिस कार, बहुत बहुत अलग एक्सपीरियंस है, यू नो, सारी चिंता देख रही होगी। People look at your this car like hell. So आप देखते हैं लोगों के एक्सप्रेशन क्या है इस गाड़ी के बारे में। भाई साहब ट्रैफिक, यू नो, पहले जयपुर में उतना ट्रैफिक नहीं था, बट स्लोली स्लोली ये ट्रैफिक ना बढ़ता ही जा रहा है। I'm really enjoying a lot. ये तो इंसान हर जगह बिजनेस ही करता रहेगा ये बैठा बैठा। Every single guy is looking at you. Thanks Banu Bana for inviting me for this amazing experience. So guys, I hope आप लोगों को ये vlog अच्छा लगा हो। अगर vlog अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, आपको Old Iron Customs फॉलो करना है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि ऐसी अगला कौन सा प्रोजेक्ट आप देखना चाहेंगे। इट्स टू मच रेनिंग, लास्ट नाइट कुछ ज़्यादा ही बारिश हो गई जयपुर के अंदर। सो चलो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर। मानू बना गुड।